पूरा उमड़ गया है, बाबा का आने का समय यहाँ पे हो चुका है। कामने में जैन सैलाब जिसे कितने हजार आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे यहाँ पे लोग हैं, लाखों का भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग अभी मुख्य जो गेट है उस गेट के पास अभी खड़ा है। यहाँ पे देखिए गेट है जहाँ से लोग एंट्री ले रहे हैं, भक्तगण इस गेट से एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे भीड़ देख लीजिए कितना ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे लाखों में यहाँ पे लोग आए हुए, 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंच गए और बाबा के आने का समय बिल्कुल हो गया, 4 बज गया। तो बाबा कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे देख लीजिए सड़क पे पूरा जाम लग गया, पूरा भीड़ लग गया, लोग भरे पड़े हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बाबा अभी एंट्री होने वाला है बागेश्वर बाबा का इसी गेट से। कहाँ हो गया? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बागेश्वर बाबा के आने का समय हो चला है। ये देखिए गेट है, मेन गेट है, इसी मुख्य गेट से बागेश्वर बाबा यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं और काफिला उनके गाड़ी का आ चला है, उनके समर्थकों का गाड़ी यहाँ पे देखिए सामने में लगा हुआ है। और जैसे ही उनके समर्थकों का गाड़ी यहाँ पे आया तो तमाम लोग यहाँ पे जुलूस इकट्ठा हो गया और भीड़ लग गया और बाबा का नारा वगैरह यहाँ पे होने लगा है। आप देख सकते हैं लगातार, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार देखिए पूरा भीड़ देखिए उमड़ गया है, भीड़ पूरा उमड़ गया है। बाबा के आने का समय यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे गाड़ियां भी लगातार आ रही है, उनके समर्थक लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और जैसे कुछ उनके समर्थक आए हैं, उनके खास आदमी लोग यहाँ पे जैसे 2-3 गाड़ी से आए तो भीड़ यहाँ पे पूरा उमड़ गया है। और देख सकते हैं यह जो मेन गेट है, ये मेन गेट है, इसी से बाबा का एंट्री होगा। और सामने से जैन सैलाब देख लीजिए, सामने में जैन सैलाब जिसे कितने हजार आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे यहाँ पे लोग हैं, लाखों का भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए लाखों का भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गेट के पास पूरा गेट का जो टेम्पल से पूरा भर चुका है और इस साइड देख लीजिए रोड का नजारा है, यह रोड का नजारा है जहाँ से लोग एंट्री ले रहे हैं और पूरा देखे ठसमा ठस एकदम भीड़ लगा हुआ है, लाखों लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। अभी 4 बज गया है और बाबा का आने का समय बिल्कुल हो चुका है, कभी भी बाबा यहाँ पे पधार सकते हैं, आ सकते हैं। और बाबा को देखने के लिए, बागेश्वर बाबा को देखने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बाबा हैं उनको देखने के लिए यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, गेट के पास इकट्ठा हो गए हैं और पूरा भीड़ लग गया है यहाँ पे, गेट के पास पूरा भीड़ लग गया है। देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे हैं, लगातार भक्त आ रहे हैं, देख सकते हैं लगातार यहाँ पे भक्त आ रहे हैं और पूरा रोड जाम हो गया है, पूरा रोड में जाम का माहौल यहाँ पे बन गया है और अंदर में पूरा लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं। लेकिन यह मुख्य गेट है जहाँ से बाबा आएंगे और अंदर में पंडाल है जहाँ पे पूरा पंडाल में तो पूरा एक भी आपको सीट नहीं मिलेगा, बैठने तक का जगह नहीं मिलेगा। गेट देख लीजिए जहाँ से एंट्री हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और पूरा जनसैलाब यहाँ पे उमड़ गया है। कहा जा रहा है 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आज पहले दिन ही आ गए हैं, पहले दिन ही 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आ गए और प्रशासन का गाड़ी लगातार यहाँ पे आ रही है, रोड पे आ रही है और निरीक्षण कर रही है, लोगों को साथ वगैरह कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा जय सलाम उमड़ गया, पूरा भीड़ उमड़ पड़ा है और लोग पूरा ठसमा ठस भर गए हैं, ऐसा स्थिति आ गया है कि लोग धक्का मुक्की करने पर भी उतर आए हैं। और देख सकते हैं कितने ज्यादा भीड़ यहाँ पे है, देख लीजिए पूरा कैंपस भरा हुआ, पूरा पंडाल भरा पड़ा और गेट में पूरा देख लीजिए कितना भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है, लगातार प्रशासन का गाड़ी यहाँ पे आया हुआ है।